आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट शुरू करूंगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जितने भी सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस को आप तीन पार्ट पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 1 to 75 की। ये है बेसिक्स। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 to 75 में। सेक्शन 76 to 123 में 1930 के अंदर इन सेक्शंस को लेके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक अलग से लॉ बना दिया गया। कुछ नई बातें उसमें जोड़ी गई और कुछ इन सेक्शंस को लेकर इन सेक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट से लेकर रिपील कर दिए गए, वापस ले लिए गए और इन सेक्शंस को लेकर नया एक्ट पास कर दिया गया, सेक्शन 76 to 123। और सेक्शन 124 to 238 ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। इन सभी सेक्शंस को हम पांच कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो पांच कैटेगरी क्या है? पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तीसरा है बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। आइए आज हम सेक्शन 124 से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे और 124 क्या है? सेक्शन 124 इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलिए सेक्शन 124 बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या डिफाइन करता है सेक्शन 124? डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। डेफिनेशन को पहले सीखेंगे और फिर उसका डीपली एनालिसिस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। अ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो आपको पता ही है क्योंकि बेसिक पार्ट आप कॉन्ट्रैक्ट का कर चुके हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। आपने बॉलीवुड की एक फिल्म देखी होगी, ओ माई गॉड, OMG। वो पूरी फिल्म इस सेक्शन पर बेस्ड है।
तो मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपसे चाहूंगा कि OMG आप जरूर देखें, एक बेहतरीन फिल्म है और सेक्शन 124 पर बेस्ड है। पूरी पिक्चर बनाई गई सेक्शन के ऊपर, आप देखेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है इस काम में, तो आप और किसी काम में आपसे कोई उम्मीद रखी जाए या ना रखी जाए, फिल्में फुल्में देखने के बारे में तो आप आगे रहते ही हैं, आपने जरूर देखी होगी और देखनी भी चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बहुत पसंद। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को, ध्यान से बात को सुनना है। वन पार्टी बेटा, वन पार्टी अदर को एक प्रॉमिस कर रही है। वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम। हमारे नॉर्थ इंडिया में लॉस को बोलते हैं जी टोटा। टोटा किसी को पसंद नहीं होता। तो जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो इंसान को सब चीजों को, कुदरत हर चीज मतलब बांटी जा रही थी। भगवान ने किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ, कोई विद्या को ले गया, कोई लक्ष्मी को ले गया, कोई मान, कोई सम्मान, कोई वीरता, कोई साहस, सब चीजें भगवान ने बांट दी। ये बेचारा एक कोने में खड़ा रहा, लोस, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में टोटा। हमारी यहाँ की जो लैंग्वेज है, बनिया लैंग्वेज, जो हमारे बनिया समाज यूज करते हैं, तो टोटा बोलते हैं जी, टोटा। तो टोटा किसी को अच्छा नहीं लगता, लोस किसी को अच्छा नहीं लगता। जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो ये बेचारा एक कोने में पड़ा रहा, इसे कोई अपने साथ लेके नहीं गया। तो ये भगवान जी के पास जाके रोने लगा, बोले कि आपकी दुनिया तो मुझे नहीं पसंद आई, मुझे तो कोई भी नहीं ले गया, बाकी सब चीजें तो आपने, सुगंध, ताकत, विद्या, लक्ष्मी, पता नहीं क्या क्या चीजें बनाई आपने, उन सभी को ले गए लेकिन मुझे कोई नहीं ले गया। तो भगवान ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तू अपने आप ही चला जाएगा, तो बिन बुलाए ही लोगों के पास चला जाया करेगा। तो भगवान ने हर चीज का एक मकसद बनाया है। तो भगवान ने समझाया, टोटे को समझाया कि तेरा क्या मकसद है, तेरा क्या औचित्य है, क्योंकि खुशियों को हम तभी चेरिश कर सकते हैं, जब तभी हम त्योहार खुशी, तभी उनको हम चेरिश, उनको हम उमंग, सफलता को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हमें फेलियर का टेस्ट पता होगा या फेलियर का डर होगा। तो गॉड ने एक खास पर्पस से इसे बनाया था। तो यहां इंसान उस लॉस से बचने के लिए, क्योंकि उसे कोई चाहता नहीं है, इस लॉस को सभी अवॉइड करना चाहते हैं, तो यहां एक इंसान दूसरे इंसान से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस लॉस से बचने के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। लॉस, अब लॉस के कारण क्या होते हैं? आओ हम एक दूसरे पेज पर एनालिसिस करते हैं इस लॉस को। लॉस यानी नुकसान, टोटा, टोटा। इस नुकसान को आइए हम एनालिसिस करते हैं। इसकी कॉजेस, कॉजेस जानते हैं कि क्या होता है। कॉजेस मतलब रीजंस, मतलब कारण, क्या कारण होते हैं लॉसेस के, इसके आइए कारण भी हम ढूंढते हैं। आइए
लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है, आप जब ड्राइव करें, सड़कों पे जाएं, तो वहां एक लाइन लिखी होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी, नेग्लिजेंस, तो लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है नेग्लिजेंस, लापरवाही। ठीक है, लॉस का एक कारण है लापरवाही। अब नुकसान हुआ, आपने देखा 2015 में नेपाल में कितना भयंकर भूकंप आया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीछे बाढ़ आई, तो नेचुरल क्लाइमिटीज भी आती रहती हैं। तो नेचुरल क्लाइमिटीज को, आप प्राकृतिक आपदाओं को कौन लेकर आता है? तो हम उसे बोल देंगे जी वो तो भगवान का काम है, एक्ट ऑफ गॉड, वो इंसान की समझ से परे है। और कुछ कमीने लोग होते हैं जो दूसरों का नुकसान देख करके उन्हें मजा आता है, पता नहीं क्या मिलता है उन्हें। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि फायदा करके किसी का, किसी की हेल्प करके तो आपको खुशी मिलती है, नुकसान करके भी खुशी को मिलती है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पर्सन होते हैं, एक प्रोमिजर होता है, एक प्रोमिजी होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो यहाँ प्रोमिजर और प्रोमिजी, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी में क्या होता है कि प्रोमिजर प्रोमिस कर रहा है, प्रोमिजर प्रोमिस कर रहा है किसे? प्रोमिजी को। किस चीज से बचाएगा? लॉस से बचाएगा, टोटे से बचाएगा। टोटे के कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, और उनमें से एक रीजन है नेग्लिजेंस, दूसरा रीजन है एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा रीजन है एक्ट ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर कहता है भाई मेरी वजह से तेरे को लॉस हुआ ना, तो मैं उसे ठीक करूंगा। ठीक है, तो एक और कारण है क्या? ठीक है, एक कारण है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। वो कहता है कि एक मैं हूं, एक तू है, और हम दोनों के अलावा कोई भी पर्सन तुम्हारा नुकसान करेगा। ठीक है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। और पांचवा रीजन है ठीक है, नेग्लिजेंस तो किसका हो गया? नेग्लिजेंस तो एक्ट ऑफ प्रोमिसी हो गया, नेग्लिजेंस तो एक्ट ऑफ प्रोमिसी हो गया। दूसरा कारण हो गया एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तीसरा कारण हो गया एक्ट ऑफ प्रोमिसर। चौथा कारण क्या होगा? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। क्या आप मुझे पांचवा रीजन भी बता सकते हैं इसका? मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा, व्हाट्सएप पर आप मुझे अपने आंसर भेजेंगे कि पांचवा रीजन क्या होगा लॉस का। एक तो नेग्लिजेंस हो गया, एक एक्ट ऑफ गॉड हो गया। नेग्लिजेंस किसका, एक्ट किसका नेग्लिजेंस होगा? प्रोमिजी का। नेग्लिजेंस किसका, किसकी नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं हम? प्रोमिसी के, जिसका लॉस हुआ उस पर्सन की नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ प्रोमिसर, और तीसरा है एक्ट ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर कहता है मेरी वजह से कोई लॉस हुआ, और चौथा है एक्ट ऑफ गॉड। पांचवा रीजन आप मुझे सोच के बताएंगे कि क्या हो सकता है।
इसको डीपली एनालिसिस करना है, ये आपका होमवर्क है। ये पांचवा आपने मुझे बताना है कि पांचवा कारण क्या हो जाएगा। अब हमें सेक्शन 124 की डेफिनेशन को पढ़ना है और डेफिनेशन इनमें से किस किस लॉस को कवर कर रहा है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आइए हम इस डेफिनेशन को पूरा करें। पहले डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। हिम का मतलब प्रोमिसी, जिसे वायदा किया गया। बाय द कंडक्ट ऑफ, ठीक है, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। अब डेफिनेशन का एनालिसिस हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, हिमसेल्फ, प्रोमिसर हिमसेल्फ। और द कंडक्ट, ऑफ एनी अदर पर्सन, इज कॉल्ड ध्यान से आपने डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब इसमें देखिए, इसमें से कौन कौन सा लॉस कवर्ड है, ठीक है। ये वाला लॉस कवर नहीं है, ठीक है, नॉट कवर्ड। मैं आपको बताऊं बेटा बात, दिस इज नॉट कवर्ड इन सेक्शन 124। आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, नॉट कवर्ड इन सेक्शन 124, एक्ट ऑफ प्रोमिसर कवर्ड इन सेक्शन 124। आप देख लीजिए बेटा, ध्यान से पढ़कर देख लीजिए। और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यस, कवर्ड इन सेक्शन 124। आप मुझे मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए बेटा, और मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे कॉल करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, सिस्टमेटिक क्लासेस। तो भारत में जितने भी लॉ हैं, जितनी भी तरह के लॉ हैं, क्रिमिनल, प्रोसीजरल, फॉर LLB, फॉर जुडिशियल, फॉर CA एग्ज़ाम, फॉर CS, फॉर CMA, फॉर MBA, BBA, BCom, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको उनकी सिस्टमेटिक क्लासेस मिले, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही रीजनेबल रेट पर हम आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मेरा एक मिशन है लाइफ में कि एजुकेशन को हम सस्ता और अफोर्डेबल बनाएं, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिले और
उन स्टूडेंट्स के लिए मैं, क्योंकि बेटा सारी लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ मैं इस चीज को फील करता रहा हूँ कि जिन बच्चों को पढ़ाई के साथ काम करना पड़ता है, उनके पास क्लासेस में जाने का टाइम नहीं होता, तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उन सब बच्चों के लिए मेरा मिशन है, मेरे उन सब बच्चों की लाइफ को, उन सब स्टूडेंट्स की लाइफ को इजी करना मेरा लाइफ का मिशन है। और एजुकेशन से हमारा माइंड इम्प्रूव होता है, एजुकेशन हमें एक पहले से बेटर पर्सन बनाती है। तो इसीलिए आप लाइफ में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले, तो सक्सेस इज इक्वल टू नेवर स्टॉप योर एजुकेशन। आप अपनी पढ़ाई को कभी भी स्टॉप ना करें, लर्निंग को कभी भी स्टॉप ना करें, तो आप लाइफ में हमेशा, आपको खुशी मिलेगी, आप यंग फील करेंगे। ठीक है, आप हमेशा यंग फील करेंगे। कभी भी आपको, मेरी एज लगभग 40 साल के आसपास है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं अभी अपने लेट 20s में ही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। यानी 40 साल लगता नहीं कि मैं 40 साल का हूँ। तो बूढ़ा कौन है? द पर्सन हु स्टॉप्स लर्निंग इज एन ओल्ड, द पर्सन हु स्टॉप्स लर्निंग इज एन ओल्ड मैन। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, और जो पर्सन सीखना नहीं छोड़ता वो बूढ़ा होता ही नहीं, वो थ्रू आउट द लाइफ यंग रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी जब आप दिल से लर्निंग करना शुरू करेंगे। तो लॉस को हमने डिफरेंट पार्ट्स पे क्लासिफाई कर दिया, और फिर डेफिनेशन को लिखकर देखा हमने कि इसमें कौन कौन सा कवर होता है। आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए कि ये सारे लॉस कवर नहीं होते, और एक आपने पांचवा लॉस आपने मुझे सोच के बताना है, वो आपका होमवर्क है। तो सेक्शन 124 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आइए, शाबाश बेटा, अब हम इस चीज को फर्दर एनालिसिस करेंगे, फर्दर आगे हम इस चीज को लेकर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को हम फर्दर आगे लेकर जाएंगे बेटा। ठीक है, आपने इसका मीनिंग देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एक एग्जाम्पल भी हो जाए। शाबाश, आइए हम यहां लिखेंगे एग्जाम्पल। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई, ए मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी, मिस्टर बी अगेंस्ट तो प्रोमिजर कौन है? मिस्टर ए, और प्रोमिजी कौन है? मिस्टर बी। अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी मे टेक, विच सी मे टेक अगेंस्ट बी। रिस्पेक्ट ऑफ
इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मनी। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्निटी। तो आइए एग्जांपल हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्निटी का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्निटी का आपने एग्जांपल यहां पर देखा। सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मनी। तो इसमें ए कौन है, आओ अब इसमें देखो बेटा केस को समझो। ए इज द प्रोमिजर और बी इज द प्रोमिजी। ए बी को एश्योर करता है भाई तेरे लॉस को मैं ठीक करूंगा। अगर सी ने तेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया और तुझे सी को कुछ पे करना पड़ा, द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी। सी जो बी के ऊपर प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा और उससे बी को जो लॉस होगा और उसको कुछ पैसा अगर पे करना पड़ा सी को, तो ए उस लॉस को ठीक करेगा। ए ने बी को कहा भाई तू मेरी बात मान ले। बी को डर लगा, बी कहता है ए को कि तेरी बात मान लूंगा तो सी मेरे पे केस करेगा। ए कहता है कि अगर सी तेरे पे केस करेगा और तुझे उसे कुछ पैसा देना पड़ा तो आई विल रेक्टिफाई इट, आई विल मेक गुड दिस लॉस। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपने इस चीज को देखा बेटा। अब हम इस चीज के लिए एनालिसिस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करें, गारंटी करें, तो उसमें पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है। आइए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ हम विशेष नाम देंगे। वैसे यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट में तो हम प्रोमिजर एंड प्रोमिजी कह देते हैं, लेकिन यहाँ हम उन्हें विशेष नाम देंगे और एक पार्टी को बोलेंगे इंडेमनीफायर। क्या बोलेंगे बेटा? इंडेमनीफायर। तो इंडेमनीफायर कौन है, आइए इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। मीनिंग ऑफ इंडेमनीफायर इज द पर्सन हु इज द पर्सन हु प्रोमिसेस टू कंपनसेट द लॉस। प्रोमिसेस टू कंपनसेट द लॉस, जो लॉस को कंपनसेट करे उसे बोलेंगे इंडेमनीफायर, और दूसरे पर्सन को बोलेंगे हम इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर यानी इसका एक और नाम है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड तो इंडेमनिटी होल्डर कौन है, आइए देखते हैं। इज द पर्सन टू हूम दिस प्रोमिस इज मेड यानी प्रोमिसी ठीक है, प्रोमिस इज मेड यानी जिसे वायदा किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, यानी उसे हम कह सकते हैं प्रोमिसी। तो प्रोमिजर इंडेमनीफायर है और प्रोमिसी इंडेमनीफाइड है। तो आइए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एनालिसिस करेंगे। हमने सेक्शन 124 को पढ़ा, आइए 124 को पढ़कर हमें क्या लगा
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 124 डिस्कस करते हैं। आइए हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन एसेंशियल एलिमेंट्स को हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज क्या है, आप डेफिनेशन को पढ़ के बेटा, ये सब बातें मैं कहां से लेकर आया हूँ, डेफिनेशन से लेकर आया हूँ। मैंने ये बातें घर नहीं बनाई, जो एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ वो घर नहीं बनाए गए, वो हमने कहां से लिया। देखो तो पहले कहता है कि जी पहला एसेंशियल एलिमेंट है, मैं जितने भी एसेंशियल एलिमेंट देखूंगा वो साबित करूंगा कि इसी डेफिनेशन में दिए हैं। पहला है जी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। आओ हम इसे डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। और आपको ये पता है बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया पार्टीज के कम्युनिकेशन से, पार्टीज ने स्पष्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक ने कहा तुम मेरे लॉस को ठीक करो, दूसरे ने कहा कि हाँ मैं तेरे लॉस को ठीक करता हूं, तो एक्सप्रेस रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। शब्दों का यूज करके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और पार्टीज के कंडक्ट से या सरकमस्टांसेस से। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मेड थ्रू वर्ड्स। तो मेड थ्रू वर्ड्स, और ये वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं रिटन भी हो सकते हैं। इंप्लाइड मेड थ्रू अदरवाइज देन वर्ड्स, जो शब्दों से नहीं बनते। फिर कैसे बनते हैं, दो तरीके होते हैं इसके, कंडक्ट से, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, दूसरा तरीका होता है हालात, सरकमस्टांसेस। और जब आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं तो एक और चीज इंप्लाइड है, इंप्लाइड समझते हैं ना मतलब बेटा, इंप्लाइड जो अंडरस्टूड है, जो अपने आप बिना बताए अंडरस्टूड है। कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, जो बातें बतानी पड़ेंगी उसे तो हम कहेंगे एक्सप्रेस, और जो बातें अपने आप समझ में आ जानी चाहिए आ जाती हैं उन्हें हम कहेंगे इम्प्लाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एक्सप्रेस और इट कुड बी इम्प्लाइड, ठीक है। तो इस पॉइंट को जब हम आप इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, बाद में मैं आपके साथ लेटर ऑन सेक्शन 145 को भी पढ़ाऊंगा, तो यहां पे ये बात खत्म नहीं हो गई है, बाद में हम सेक्शन 145 को भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे अभी नहीं, ठीक है, अगले लेक्चर में हम सेक्शन 145 को भी पढ़ेंगे। तो रीड दिस कंसेप्ट विद सेक्शन 145 आल्सो। दूसरी बात मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ ही, पहले कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को पूरा कर लें। दूसरी बात यह है कि जब आप एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है इंप्लाइड भी हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के और भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी होने चाहिए। आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बोल दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट
वैलिड होना चाहिए, राइट? वैलिड कैसे होगा? ठीक है, ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सेकंड पॉइंट हम इसका बना रहे हैं बेटा, सेकंड पॉइंट हम इसका बना रहे हैं। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो पहला हमने कॉन्ट्रैक्ट बोला और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया है, एसेंशियल एलिमेंट, दूसरा चीज क्या होगी कि उसके अंदर सभी एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, आप लिख लीजिए बेटा, आइए इसे हम लिख लेते हैं, ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। और वो एसेंशियल्स हैं क्या? सेक्शन 10 में दिए हैं, 29 में दिए हैं, 56 में दिए हैं, तो आप इन सेक्शंस को रेफर कर सकते हैं कि क्या वो एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं। आइए नंबर तीसरी पॉइंट, लॉस होना चाहिए, लॉस, राइट? आप डेफिनेशन को सर्च करेंगे अच्छे से, आप देखिए 124 की डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस। देखो लॉस की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, लॉस की बात की गई है, तो थर्ड एलिमेंट है हमारा यहाँ पर लॉस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्रोमिसर की परफॉर्मेंस के लिए प्रोमिसी को लॉस होना जरूरी है, लॉस टू द प्रोमिसी, लॉस टू द प्रोमिसी। लॉस टू द प्रोमिसी इज एसेंशियल, प्रोमिसी को लॉस होना जरूरी है, अनलेस द प्रोमिसी हैज सफर्ड लॉस ही कैन नॉट होल्ड द प्रोमिसर लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लॉस टू द प्रोमिसी इज एसेंशियल। तो ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए अभी तक। पहला क्या डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, दूसरा ऑल एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, और तीसरा देयर मस्ट बी सम लॉस। तो ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहेंगे। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट हो जाती हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं, एक पार्टी के राइट्स दूसरे पार्टी के ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं। तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी के राइट्स को, यानी डिस्कस करना यहाँ जरूरी है। तो सेक्शन 125 के अंदर हम 124 तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर।
और इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट है, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 126, और 126 पढ़कर फिर हम 124 और 126 को आपस में कंपेयर करेंगे। शाबाश बेटा, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो आप इसे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, और दूसरों की हेल्प भी इससे हो जाएगी। और शाबाश, और आपको भी खुशी मिलेगी। एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जल जाएगी, तो पहली ने तो जलना ही है, दूसरे को भी फायदा हो जाएगा। तो आप इसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि ये बेनिफिशियल है, तो प्लीज इसे लाइक करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।